कि ये जो षड्यंत्र कर रखे हैं ये अचानक नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का योजनाबद्ध तरीका है। इससे ये एक बात देखना चाहिए, ये गांधी के हत्यारे हैं, ये नाथूराम गोडसे के समर्थक हैं, ये लोग किसान आंदोलन में विरोध करते हैं, मजदूर आंदोलनों का विरोध करते हैं, दलितों का विरोध करते हैं और बाहर के मजदूरों का करते हैं, मुस्लिमों का विरोध करते हैं। ये शांति नहीं चाहते, विकास नहीं चाहते। इन लोगों के लिए यही है कि इनका वाइकाट हो। यहाँ शहर में भी कई एमसी भी चुने गए हैं, गलती से सांप को दूध पिलाया गया। उस टाइम पर ये था कि आपस में ये चुन करके वार्ड का शहर का विकास करेंगे, वो परिक्रमा में जा रहे हैं। इसलिए शहर के जनता से, तमाम जींद के जनता से अपील है कि शांति बनाने में जितना भी भूमिका अदा की जाए उतना ही थोड़ा। नाम है जी आपका? मेरा नाम राजवीर कटारिया है जी। आज का ये प्रदर्शन हुआ था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह का आपको लगा? ऐसा है, आज का जो प्रदर्शन था वो एक मानवता को बचाने का प्रदर्शन था, क्योंकि इस देश के अंदर जो हालात बन रहे हैं आज, केवल नफरत का माहौल बना के कुछ तथाकथित लोग विभिन्न, कोई बजरंग दल के नाम पे, कोई गाय रक्षा दल के नाम पे, कोई विश्व हिंदू धर्म के नाम पे, मतलब एक गुंडागर्दी करने का जो आलम देश में छाया उसका विरोध में रोड़ों पर उतर के आज जींद के लोगों ने इसका जवाब दिया है। और मैं सब भाइयों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आज बुद्धिजीवी लोगों ने, जींद के लोगों ने, इनका जो नकाब था, इनका जो उद्देश्य था, उसकी हवा निकालने का काम किया है। इनका उद्देश्य था समाज में आपस में भिड़ाओ, लड़ाओ, झगड़ाओ और अपना उल्लू सीधा करो। इसलिए पहली बार ऐसा हुआ है कि धर्म के नाम पर जो ये लड़ाते थे लोगों को समझ में आ गया, इसका विरोध हुआ है। और पूछ लेगा कोई नहीं है? यदि आगे इस तरह की घटना जैसे मेवात में हुई है कोई कोशिश करने करेगा तो आगे आपका क्या? हम बिल्कुल उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मेवात की घटना भी वैसे नहीं हुई, आप ये देखो कि 6 महीने पहले कोई मोनू मानेसर नाम का लड़का वहाँ के हमारे दो नौजवान मोमडन भाइयों के दो लड़कों को जिंदा जलाता है और वो कत्ल 302 का मुजरिम है और वो ऐसी ऐसी नफरत की पोस्ट डालता है कि हमारे हैं, तुम्हारे जीजा जी आ रहे हैं, तुम क्या स्वागत नहीं करोगे? अगर कोई आदमी इस तरह से किसी भी मोहल्ले में किसी का कत्ल करके ऐसे चैलेंज करके जाएगा तो ये समझ लो कि वहाँ पे चाहे किसी भी धर्म के लोग हैं उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारा समाज नहीं कहता। और उसके बाद जो माहौल बना है, मैं तो हैरान हूँ कि पता लगा हमारे को जींद से भी कुछ तथाकथित सिरफरे लोग वहाँ पहुँचे हैं, एक दो आदमी हिरका से, एक दो रामकली से, एक ये कौन है सत्ती के नाम, ये क्या अतुल चौहान, पता नहीं कौन सी क्या उसका है, वो भी एक मैं तो उदड़ंगी मानूंगा उसको, खुलम खुला कहता हूँ दंगाई आदमी है। ऐसे लोगों पर नकेल डालनी चाहिए और जब भी कभी ऐसा समाज में भाईचारा खराब करने की बात आएगी तो हम सभी इसका, सभी जातियों के, सभी धर्मों के और सभी क्या नाम संगठनों के लोग, सभी पार्टियों के लोग इसकी उसका मुँह तोड़ जवाब देंगे और हम इसकी निंदा करते हैं और आगे आगे जो सरकार से भी ये कहेंगे या तो समझ जाओ नहीं तो टाइम थोड़ा ही रहता रहा, अभी जल्दी जाओगे, इनका नकाब उतर जी है। आप क्या कहना चाहोगे आज का जो प्रदर्शन? मैं तो इस पे ये कहना है कि जो आज प्रदर्शन हुआ है इसके लिए मैं अपने तरफ से और तमाम जो बाहर के मजदूर हैं यहाँ काम करते हैं रोज़ तरह तरह के भांति भांति के मजदूरी करके, उनके तरफ से भी मैं काफ़ी, ये जो शांतिगामी लोग हैं जो शहर के तमाम जो अमन चैन रहे उन लोगों के, तमाम लोगों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो षड्यंत्र कर रखे हैं ये अचानक नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का योजनाबद्ध तरीका है। इससे ये एक बात देखना चाहिए, ये गांधी के हत्यारे हैं, ये नाथूराम गोडसे के समर्थक हैं, ये लोग किसान आंदोलन में विरोध करते हैं, मजदूर आंदोलनों का विरोध करते हैं, दलितों का विरोध करते हैं और बाहर के मजदूरों का करते हैं, मुस्लिमों का विरोध करते हैं। ये शांति नहीं चाहते, विकास नहीं चाहते। इन लोगों के लिए यही है कि इनका वाइकाट हो। यहाँ शहर में भी कई एमसी भी चुने गए हैं, गलती से सांप को दूध पिलाया गया। उस टाइम पर ये था कि आपस में ये चुन करके वार्ड का शहर का विकास करेंगे, वो परिक्रमा में जा रहे हैं। इसलिए शहर के जनता से, तमाम जींद के जनता से अपील है कि शांति बनाने में जितना भी भूमिका अदा की जाए उतना ही थोड़ा है। और एक बात मैं ये कहता हूँ, ये वो लोग हैं कि कभी भी किसान आंदोलन में 750 लोग शहीद हो गए, ये लोग जश्न मनाते थे, ये लोग वो हैं कि जहाँ जाट आरक्षण आंदोलन था पूरे हरियाणा के किसी भी गांव में कोई टकराव नहीं हुआ, शहर में इन लोगों ने नफरत फैलाया, शहर में हुआ है। इसलिए मेरी अपने तरफ से भी, मेरा संगठन है CIT, उसके तरफ से भी अपील है कि शांति बनाएं
और शांति के लिए जितना भाईचारा में जाकर के काम किया जाए, इनकी नफरत की जो राजनीति है उसको उजागर भी करें, जैसे भी कोई संगठन आह्वान करते इसमें शामिल हो। इसी के इतना ही बात कहना था मुझे। क्या नाम? सुभाष तिवारी। ठीक है।